आज किस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग फ्लाई कर सकते हो E99 ड्रोन को। एंड ये वीडियो कंप्लीट गाइड है ऑन हाउ टू फ्लाई E99 ड्रोन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं E99 ड्रोन को निकाल लेता हूँ बाहर। इस तरीके से आपको उसका बॉक्स मिल जाता है अंदर का, जिसे हम जैसे ही खोलते हैं हमें कुछ इस तरीके से एसेसरीज मिल जाती हैं, जिन्हें हम करते हैं साइड में और निकालते हैं अपने ड्रोन और रिमोट को बाहर। आपको एक बैटरी ड्रोन के अंदर पहले से लगी हुई मिल जाती है, दूसरी आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी भी मिल जाती है। सो गाइस ये हमारे मेन आइटम जो कि बॉक्स में से बाहर आते हैं। सबसे पहले हमारा ड्रोन और उसका रिमोट। रिमोट को आपको फ्लाई करने से पहले एंटीनास को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। गाइस अपने ड्रोन को आपको कुछ इस तरीके से अनफोल्ड कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर। जगह से आप लोग अपनी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो और लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरीके से आपको अंदर कर देना है। एंड दोनों बैटरी अगर आप चार्ज करके रखोगे तो आप लोग आराम से इसे 10 से 15 मिनट फ्लाई कर पाओगे। इस वाले स्विच को जस्ट प्रेस करके रखना है, इस वाले स्विच को जस्ट 1 सेकेंड के लिए। एंड आपका जो ड्रोन, गाइस ड्रोन और रिमोट को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको दोनों को ऑन कर देना है, ठीक है। पहले आप ड्रोन को ऑन करो फिर रिमोट को ऑन करो एंड हमारा जो ड्रोन और रिमोट है दोनों पेयर हो जाएंगे। आपको अगले स्टेप क्या करना है फ्लाई करने के लिए वो मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। या फर्स्ट टाइम जैसे ड्रोन फ्लाई करे तो इसका जो मुँह है ना आपको आगे की तरफ रखना है, ताकि फ्लाई करने में ना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो। और मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने इसे यहाँ रख दिया, ठीक है, इसका जो मुँह है यानी फेस जो है इसका, उसे आपको आगे की तरफ रखना है। एंड मैं आपको सिंपल ये वाला जो बटन है टेक ऑफ का, इससे दबा के इसे फ्लाई करना है, ना कि इससे, ठीक है। आपको इसे आराम दबाना है, तो देख सकते हो आप लोग। एंड आपको जस्ट ये वाला जो जॉयस्टिक है इससे आपको इसे कंट्रोल करना है, देखो लेफ्ट या राइट, ठीक है। एंड इससे ऊपर करना है, देख सकते हो आप लोग, बहुत सिंपल। आपको लेफ्ट थ्रॉटल की वजह से इसे ऊपर करना है और राइट से आपको लेफ्ट राइट कंट्रोल करना है। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा स्टेबल है ये, एंड पूरा जो फुल्ली कंट्रोलेबल है, ठीक है। देखो जैसे मैं आगे कर रहा हूँ आगे हो रहा है, और पीछे कर रहा हूँ मतलब अपनी तरफ ला रहा हूँ तो मेरी तरफ आ रही है, ये देख सकते हो। तो गाइस अब हम लोग ड्रोन के रिमोट के फीचर्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किस बटन से क्या यूज़ है, अगर आप लोग ये जान जाओगे तो आराम से अपने ड्रोन को फ्लाई कर पाओगे। देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मिल जाता है लेफ्ट साइड में एक जॉयस्टिक और एक राइट साइड में जॉयस्टिक। लेफ्ट साइड वाले जॉयस्टिक का यूज़ है आप हाइट कंट्रोल करना, मतलब कितना ऊँचा आपको ड्रोन रखना है, ठीक है, ऊपर नीचे करना, ठीक है, मतलब नीचे कितना नीचे लेके आना है कितना ऊपर लेके जाना है, वो सब कंट्रोल करना है इस वाले जॉयस्टिक का काम है, ठीक है। और अगला जो जॉयस्टिक है राइट साइड में, उसका काम है आपके ड्रोन की डायरेक्शन सेट करना है कि लेफ्ट ले जाना है राइट ले जाना है अपवर्ड बैकवर्ड किधर लेके जाना है, वो सब कुछ आप लोग इससे करोगे, मतलब इससे हाइट एडजस्ट करोगे ऊपर नीचे सिंपल, ठीक है। और इससे आप लोगों को लेफ्ट राइट अपवर्ड बैकवर्ड जिधर ले जाना है वो चीज़ आप लोग इससे सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस अगली बटन मिलेंगी ये दोनों, ठीक है, जो कि आपके काफ़ी ज़रूरी बटन हो जाएंगी। आपको कभी भी अगर ड्रोन फ्लाई करना है तो आपको इस वाली बटन को दबा करना है, जैसे आप लोग इसे दबाओगे बीप की आवाज आएगी, आपका जो ड्रोन है ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। क्या करना है, एंड इस वाली बटन से आपका ड्रोन कहीं पे भी है तो नीचे लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप लोग परेशान हो रहे हो कि भाई ड्रोन को, जैसे ड्रोन ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग इस बटन को दबा दो आपका ड्रोन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिलती है आपको 1, 2, 3, 4 बटन, ठीक है। ये 4 बटन है ट्रिमिंग, जिनमें आपको एरो बना हुआ दिख रहा है ना, ये आपकी ट्रिमिंग कीज। ये कीज जो है ना अगर आप लोग समझ जाओ तो आप लोग ड्रोन को बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हो। इजीली फ्लाई करने का मतलब है स्टेबली फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट ट्रिमिंग की, राइट ट्रिमिंग की, अपवर्ड ट्रिमिंग की और बैकवर्ड ट्रिमिंग की, ठीक है। इनका यूज कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका ड्रोन जो है, मान लो ये आपका ड्रोन है, अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है राइट ट्रिमिंग की को दबाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिक राइट के साइड आएगा, अगर लेफ्ट के साइड जा रहा है तो राइट के साइड आएगा, और आपको इतना राइट के साइड लेके जाना है कि वो सेंटर में आ जाए। ऐसे आपका मान लो ड्रोन राइट में जा रहा है
और आप चाहते हो कि सेंटर में आए, बार बार इधर ही जा रहा है, ठीक है, एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा, तो आप लोग इस वाली बटन को दबाओगे तो आपका ड्रोन जितनी बार दबाओगे उतना ज्यादा आपका स्टेबल होता है, उतना ज्यादा उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या करते हो, ट्रिम कर सकते हो इसके डायरेक्शन को, ट्रिम कर सकते हो ऐसी, जैसे आगे ज्यादा जा रहा है तो आपको पीछे वाली ट्रिमिंग की को दबाना है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो बात, जैसे अगर आपका ड्रोन लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आपको राइट साइड वाली ट्रिमिंग की को दबाना है, अगर आपका ड्रोन अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो आपको बैकवर्ड वाली ट्रिमिंग की को दबाना है, समझ गए आप लोग। ये बहुत जरूरी फीचर है, अगर ये आप लोग समझ जाओ तो इजिली फ्लाई कर पाओगे। मैं आपको आगे चल के सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको मिल जाती है ऊपर के साथ ये दो बटन, ठीक है। पहली वाली बटन से आप लोग अपने ड्रोन की जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और दूसरी वाली बटन से आप लोग अपने ड्रोन के फ्लिप वगैरह जो करना होता है, स्टंट वगैरह मारना होता है, वो काम कर सकते हो। जैसे ही मैंने इसे दबाया, देख सकते हो बार बार बीप कर रहा है, और जैसे ही मैं इसे लेफ्ट साइड में करता हूँ तो राइट साइड में करता हूँ तो राइट के साइड ऑटोमेटिक फ्लिप कर जाएगा। चलो मैं बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको फ्लाई करना है एंड कैसे क्या करना है। कुछ जरूरी टिप्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है ड्रोन फ्लाई करने से पहले, सबसे पहले तो आपको ड्रोन को कभी भी घर के अंदर नहीं उड़ाना, बाहर उड़ाना, ताकि आपको खुली जगह मिले और आप लोग फ्रीली इसे फ्लाई कर पाओ। और जब आप इसे फ्रीली फ्लाई करोगे तभी आप सीख सकते हो कि इसे फ्लाई करना कैसे है, ठीक है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी आपकी जो ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली होगी, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई कोई इंडिकेटर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी आपकी बैटरी खत्म होने वाली होगी तो ड्रोन जो है ना आपको ऑटोमेटिक आप ऊपर लेके जाओगे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से बार बार नीचे आते रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा ड्रोन आ रहा है, मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ ऊपर ले जाने का, लेकिन ये जो ड्रोन है देखो बार बार नीचे आ रहा है। फिर मैंने इसे जैसे ऊपर करा एंड ये जो ऊपर नहीं जा रहा, देखो दोबारा से ये जो ड्रोन है वो नीचे ही आ रहा है। इट मीन्स इसकी जो बैटरी है ख़त्म होने वाली है, तो मुझे क्या करना है, इसकी जो बैटरी है चेंज करके इसे अगेन फ्लाई करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंडिकेटर है, ठीक है, बैटरी ख़त्म होने, तो इसे आपको ध्यान रखना। उसके बाद जब भी आप लोग ड्रोन फ्लाई करो तो इसे नीचे रख के फ्लाई। जैसे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब स्टार्टिंग में ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो ड्रोन को ज़्यादा ऊंचा मत ले जाओ, ठीक है। कुछ आपको 4-5 मीटर 6 मीटर की हाइट तक रखो, ज़्यादा ऊंचा मत ले जाओ। ज़्यादा ऊंचा ले जाने से क्या होता है, ऊपर जो विंड की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो ड्रोन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये जो ड्रोन आते हैं नॉर्मल हमारे ई सीरीज़ के, जो बहुत ज़्यादा हल्के ड्रोन होते हैं, वो विंड इसे अपने साथ ले जाती है, जिस डायरेक्शन में ले जाना होता है, और आपका जो ड्रोन है वो ज़रा भी कंट्रोल नहीं रहता। सो नीचे फ्लाई करो और जब सीख जाओ तो थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाओ, बट ज़्यादा ऊपर फिर भी मत। बैटरी आपको मिलती है ड्रोन को फुल चार्ज करके रखा है तो आप आराम से इसे 10 से 15 मिनट उड़ा पाओगे, ठीक है। और फ्लिप करोगे तो भाई 15 मिनट की जगह आपको 10 मिनट का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। फ्लिप करते उस तरफ की जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करती है, इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, करोगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है करने से रिलेटेड ड्रोन को तो कॉमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, अदरवाइज दूसरी वीडियो ही आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कर देना, और जो भी आप समय से पहली बार आए हो चैनल पे प्लीज यार डू सब्सक्राइब। एंड आने वाले टाइम में हम लोग गाइस ड्रोन का गिव अवे करने वाले, क्योंकि हमारे पास जल्द ही यार ड्रोन का कुछ नए स्टॉक आएंगे, ठीक है, जिसमें हम E88 और E99 लाने वाले, तो इनका हम करेंगे गिव अवे। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और लाइक करो। मिलते हैं किसी भी वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।